हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सबसे पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखेंगे। ओके, और फिर इसको हम लोग हार्मोनिक क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सो विल स्टार्ट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन। है डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऐसा मोशन द मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दो बातें हैं सिर्फ, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके डायरेक्शन के अपोजिट है। ये जिस मोशन में होगा दैट मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको समझाने के लिए मैंने एक सिचुएशन ड्रॉ किया। एक स्प्रिंग को एक मास अटैच्ड है जो कि अनस्ट्रेच पोजीशन में है। ऐसा स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच पोजीशन में, उसको स्ट्रेच नहीं किया है। ओके, इसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह किया बोला हुआ है पहले लेक्चर्स में, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी हम लोगों ने क्या किया, इस मास को खींचा तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, है ना, इस मास को खींचा हम लोगों ने। ओके, तो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। और दूसरे केस में हम लोगों ने मास को इधर खींचा, मतलब उधर डिस्प्लेस कराया, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। यहां पे स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ, यहां पे स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब ये सभी को मालूम है कि ये मास को अगर खींच के यहां छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक। अब जैसे जैसे तुम इस मास को खींच रहे हो तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रही है। ओके, इन फोर्स को हम लोग आज से बोलेंगे इंटरनल, स्प्रिंग के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए रिस्टोरिंग यानी उस मास को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का कोशिश करेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये याद रखना है। यानी स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप हुए, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में डेवलप हुए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये भी हमको मालूम है कि जितना जितना स्प्रिंग खींचोगे उतना उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा डेवलप होगा। गेम तो सभी को मालूम है, वो वाला जो बचपन में खेला है, रबर को ऐसा हाथ में पकड़ के किसी दोस्त के ऊपर मारना, जितना ज्यादा रबर को खींचोगे उतना ताड़न से तुम्हारे दोस्त को लगेगा, है कि नहीं। तो फोर्स जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कराओगे रबर का उतने ज्यादा फोर्स डेवलप एग्जर्ट हो रहा है, यानी इसका मतलब फोर्स भी डेवलप ज्यादा हो रहा है। मतलब इस केस में फोर्स is directly proportional to displacement and it is directed opposite to that of the displacement. यहां पे भी यही हुआ, जब मास इधर कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को तो स्प्रिंग के अंदर इस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है। जितना जितना मास उसको स्ट्रेच करेगा स्प्रिंग को उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर। यानी अगेन वही फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड में अभी यहां पे और डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये जो मोशन हो गई ये हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन की जो दो बातें हैं वो फॉलो कर रही, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये कंसेप्ट ध्यान में है। ओके, अब मैं तुमको बताऊंगा, फिर हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं। ओके, फिजिक्स में हार्मोनिक फंक्शंस, सॉरी मैथ्स में हार्मोनिक फंक्शंस डिफाइंड है। हार्मोनिक फंक्शंस आर साइन एंड कॉस, दीज आर हार्मोनिक फंक्शंस, मैथमेटिक्स में उनको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ओके, और इस मोशन में इन मोशंस के डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशन साइन या फिर कॉस में बनते हैं। जो ये मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे कमिंग लेक्चर्स में वो साइन और कॉस के फंक्शंस रहेंगे। यानी एक्स इज इक्वल टू समथिंग साइन समथिंग या एक्स इज इक्वल टू समथिंग कॉस समथिंग, तो इक्वेशन में साइन या कॉस आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इस मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब कंटिन्यू करते इस डिस्कशन को, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो दैट कॉन्स्टेंट इज k। इस k के दो नाम हैं, एक तो इसको हम लोग कहेंगे फोर्स कॉन्स्टेंट या फिर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, दो नाम इसके, फोर्स कॉन्स्टेंट या फिर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। सो दीज आर द टू नेम्स ऑफ
तो k का वैल्यू कितना हो गया यहां से, k का वैल्यू कैन बी रिटन एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन x मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो k का यूनिट क्या हो गया, ऊपर कौन है फोर्स मतलब यूनिट न्यूटन, नीचे कौन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे हो गया मीटर। k का अगर डायमेंशन निकालना है, k का डायमेंशन बन गया फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t - 2 और x का डायमेंशन हो गया l1, तो सॉल्व किया तो m1 L0 T-2 तो ये हो गए K के dimensions। यहां से force is, अब generally क्या होगा, जो हमारा external force है capital F वो internal restoring force रहेगा generally, okay, unless and until कोई dissipative force है, जो force कोई दूसरे force को घटा नहीं रहा है, वो forces नहीं है, जैसे friction, अगर friction नहीं है हम लोगों ने consider किया, तो जो हमारा applied force है वही हमारे internal restoring force रहेंगे, okay। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोगों ने और सॉल्व किया तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इन दो इक्वेशंस को कंबाइन किया तो एक्सेलरेशन जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है। सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। अब इसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएन, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएन हमारा अगला टॉपिक है, ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएन, ओके, लीनियर मतलब एक लाइन, ठीक। लीनियर एसएचएन का डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी d by dx के टर्म या फिर d2 by dx square के टर्म, d3 by dx square cube के टर्म, this is first order differentiating term, second order differentiating term, third order differentiating term, है ना, ये अलग अलग differentiating term है, okay। जैसे अब यहाँ पे आप लोग equation लिखेंगे, हम लोग solve करते हैं, यानी ऐसा equation जिसमें differential terms रहेंगे, differential terms, derivative के terms, तो उस equation को हम लोग कहेंगे differential equation, आसान, okay। Now we know that force is equal to minus kx, ये पहला equation है इसके लिए, अभी आप लोगों ने देखा, और force is also equal to ma, mass into acceleration, ठीक है, mass क्या होता है, m into m into d by dt of, velocity क्या होता है, dx by dt, therefore force can be written as m into d2x by dt square, from equation 1 and from equation 2 हम दोनों को क्या, हमको क्या, दोनों equation को combine करके क्या मिला, m into d2x by dt square is equal to minus kx, okay। अब इस equation को अगर हम लोगों ने solve किया, okay, इस equation को अगर हम लोग solve करते हैं तो m into d2x by dt square प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके, ये इक्वेशन को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो डिवाइडिंग बाय एम, अगर हम लोग एम से डिवाइड करते हैं तो डी टू एम बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम, सॉरी डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगेन के इज कॉन्स्टेंट, m is mass, वो तो constant रहेगा, तो इस constant के जगह एक नया constant आया omega square, इसके बारे में हम लोग आगे के lectures में बात करेंगे, k by m is always written as omega square, तो यहाँ से equation बन गया d2x by dt square plus omega square x is equal to zero, so this is the differential equation of linear SHM, आपने note down करके रखना है। So what is differential equation of linear SHM? d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. So this was all about the linear SHM. आगे हम लोग इसी differential equation को use करके displacement, velocity and acceleration की equation निकालेंगे. That's it.